हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सीखूँ मैं। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स के जरिए कहीं भी अपना जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप जाकर इजी तरीके से जो है टी शर्ट या फिर टॉपिक्स जो होते हैं वेमेंस के, आप वहाँ पर इजी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और डिजाइन करके दोस्तों अपना बजट जो है सेलेक्ट कर उसे इजी तरीके से सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, तो ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस वेबसाइट का नाम है टी शॉपर। दोस्तों, हम लोग सर्च करते हैं सिंपल दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये वाला जो फर्स्ट दोस्तों ये लिंक है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी दोस्तों तो मैंने जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप क्लिक कर डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। दोस्तों, इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना होगा एक अकाउंट क्रिएट। दोस्तों, अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों आप सिंपल दोस्तों यहां पे माय अकाउंट पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों, माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे क्लिक करना है साइन अप, ठीक है। और साइन अप करने के बाद दोस्तों आपको देना है पे नाम, आपका ईमेल, उसके बाद एक पासपोर्ट। पासपोर्ट दोस्तों हिंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसा ही कुछ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों जो है, मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट पहले ही क्रिएट कर लिया है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे सिंपल लॉगिन होता हूँ, उसके बाद आएगा जो प्रोसेस है मैं आपको समझाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, जो एक टी शर्ट है मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है दोस्तों, और दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, एक टी शर्ट का, जहाँ से आप उसे क्लिक करके टी शर्ट का जो डिज़ाइन है आप सिंपल देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड जो है कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको जो है कुछ भी क्रिएट करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट डिजाइन पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है ऑर्डर, और दोस्तों ये काफ़ी चीज़ है पेमेंट वगैरह या फिर जो रेफर करना चाहते हैं उसका भी यहाँ पे सिस्टम इन्होंने दिया है। दोस्तों, हम लोग सिंपल करते हैं स्टार्ट डिजाइनिंग। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ऑलरेडी पहले टी शर्ट सेलेक्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपको टी शर्ट के अलावा और चीज़ जो है यहाँ पे करना है उस पर डिजाइन या फिर अपना टैक्स वगैरह देना है तो दोस्तों यहाँ से आप जो भी आपका टॉपिक है आप यहाँ से चुन सकते हैं, और चुन कर दोस्तों आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर टी शर्ट ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप कलर वगैरह चुन सकते हैं, और दोस्तों यहाँ से फ्रंट और बैक जो है आप इसे करके देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बेस कॉस्ट। दोस्तों, बेस कॉस्ट का मतलब ये है दोस्तों कि इतना जो कॉस्ट है दोस्तों, मतलब इनका जो है इस कपड़े को बनाने में लगेगा, ठीक है। और दोस्तों, उसमें दोस्तों आपको अपना बजट जो है ऐड करना होगा। दोस्तों, ये सब कैसे करना है मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। सिंपल दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं ये वाला जो है ड्रेस, दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स ऐड करना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ऐड टैक्स पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे फिर दोस्तों इस टैक्स पे आपको करना होगा एक बार क्लिक, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। और लिखने के बाद दोस्तों सिंपल देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों आपको करना होगा इसे एक बार सेलेक्ट ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस वाले टैक्स को करता हूँ रिमूव इस वाले को। और दोस्तों, रिमूव करने के लिए सिंपल दोस्तों आप यहाँ उसे जो है टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करके दोस्तों अपने कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वहाँ से डिलीट बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको कोई चेंजेस वगैरह फिर डिजाइन या फिर साइज वगैरह करना है तो आपको उस टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा दो बार, और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये खुद ब खुद इस बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना है उसका साइज, आपको जितना भी साइज रखना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसका साइज तकरीबन 34 पिक्सल जो है सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ दोस्तों टैक्स वगैरह आप देख सकते हैं, आप यहाँ से टैक्स कोई भी जो टैक्स है देख सकते हैं, इतना सारा फॉन्ट दिया है, आप इसमें से किसी भी एक फॉन्ट को आप यहाँ पे चुन सकते हैं। और फॉन्ट चुनने के बाद दोस्तों आप यहाँ से उसे दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, आप उसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं या फिर आप उसे बोल्ड भी कर सकते हैं। और उसके कलर को दोस्तों चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 00 जैसा दिया है उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप उसका जैसा भी कलर रखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद सिंपल दोस्तों यहाँ पे आप, अगर आपको जहाँ भी इसे करना है आप इसे पकड़िए यहाँ ऐसे,
और उसे यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है। और दोस्तों बिल्कुल ऐसे है दोस्तों, अगर आपको ये, तो दोस्तों मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं ये इसे और अच्छे से क्रिएट करता। और दोस्तों अगर बैक में आपको कुछ भी करना है तो आप सिंपल दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पे कीजिए आप टैक्स, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इसमें अगर आपका कोई लोगो अगर आप क्रिएट किए हैं फोटोशॉप या फिर किसी और जरिए से, तो आप उसे कैसे अपलोड करके इस टी शर्ट पर लगा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, ये सिंपल दोस्तों उसी प्रकार है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसे आपको करना है डिलीट, तो सिंपल दोस्तों आपने कंप्यूटर से कीजिए इसे सेलेक्ट, उसके बाद कीजिए डिलीट। उसके बाद दोस्तों हम फ्रंट पे आ जाते हैं, और फ्रंट पे आने पर दोस्तों अगर आपके दोस्तों कंप्यूटर में कोई स्टिकर या फिर कोई इमेज है जिसे आप इस यहाँ पे लगाना चाहते हैं, या फिर कोई लोगो है, तो सिंपल दोस्तों आपको करना होगा है अपलोड योर आर्ट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस चॉइस फाइल, दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, कि जो इसका साइज है, हाइट और जो है इसके हाइट और लंबाई का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। आप दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका जो हाइट है और लंबाई है कितना होना चाहिए, ठीक है। इसका जो हाइट है तकरीबन, और इसका जो हाइट है तकरीबन 800, सॉरी 1024 तकरीबन होना चाहिए, और जो लंबाई है, सॉरी जो इसका हाइट है 1300 तकरीबन कुछ होना चाहिए, और जो इसका लंबाई है तकरीबन 1000 कुछ होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो सिंपल दोस्तों हम लोग यहाँ से कोई भी एक लेते हैं इमेज, ठीक है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं इस वाले को, दोस्तों हम जो इमेज है इसको लेते हैं, और इसका देख सकते हो इसका जो हाइट हाइट है दोस्तों यहाँ पे कम है, तो इसका दोस्तों हाइट है मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ। तो सिंपल दोस्तों मैं इसे ले जाऊँगा यहाँ पे पेंट में। अगर दोस्तों आप अगर आप कंप्यूटर से इसे कर रहे हैं तो सिंपल दोस्तों आप पेंट में जाकर इसका जो हाइट वगैरह है आप उसे मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी ऐप आते हैं जहाँ प्ले स्टोर में जाकर भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे सामने ये जो है पेंट में खुल चुका है। दोस्तों इसके हाइट वगैरह में कोई भी चेंज करने के लिए दोस्तों आपको रिसाइज पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद पिक्सल्स पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद हॉरिजेंटल सेलेक्ट करना होगा, जो भी इसका हॉरिजेंटल है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों इसका जो चौड़ाई है जो हॉरिजेंटल होता है होना चाहिए तकरीबन 1300 कुछ, ठीक है, और जो वर्टिकल है तकरीबन होना चाहिए 1000, यानी लंबाई जो है 1024 होना चाहिए। और ये देख सकते हो दोस्तों इसने आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे जो है हॉरिजेंटल है 1363 रखिए, और जो वर्टिकल है यहाँ पे 1024 रखिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कीजिए सिंपल ओके, और ओके करने के बाद दोस्तों इसे आप कीजिए सेव, ठीक है। दोस्तों दोस्तों मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके सेव इस मैंने यहाँ पे सेव अपने कंप्यूटर में एक जगह कहीं पे सेव इस सेव कर ले रहा हूँ। और सेव करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इसे अपलोड करूँगा वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन दोस्तों मैंने अपने कंप्यूटर का जो है ऐप वगैरह मैंने उसे हिंट किया है, तो मैं उसे जो यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ फिर करता हूँ चोसन फाइल पे क्लिक। उसके बाद मैं जाता हूँ डेस्कटॉप, देख सकते दोस्तों ये वाला जो इमेज है हम लोगों ने एडिट किया था। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। अब देख सकते हो दोस्तों ये जो इमेज है यहाँ पे इसी तरीके से आ गया। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे हाइट बढ़ाना होगा तो दोस्तों आप यहाँ पे सिंपल दोस्तों हल्का सा अपना माउस यहाँ पे लाइए इसके कोने में, और दोस्तों आपको जैसा भी करना है आप इसके हाइट को कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल दोस्तों आप इसे रिमूव वगैरह कर सकते हैं। तो ये दोस्तों लोगो है, देख सकते हो दोस्तों कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं इसका जो बेस कॉस्ट है दोस्तों, मतलब इस अगर स्टिकर को आप लगाते हैं तो इसका जो बेस कॉस्ट है इतना इसे बनाने में आएगा। इसमें दोस्तों आपका जो अपना कॉस्ट है उसे ऐड करना होगा। तो ये तो है दोस्तों, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, पहले भी बोला था मैंने, और वहाँ से आप जाकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये सब करने के बाद, आप डिजाइन वगैरह आप सब करने के बाद दोस्तों सिंपल इसे आप सेल करने के लिए आप यहाँ पे सेल दिस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप सेल इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ये वाला जो है प्रोडक्ट डिटेल्स जो है एक पेज खुलेगा। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोडक्ट का टाइटल, उसके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपको 5 टैग्स देने हैं। दोस्तों टैग्स के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, टैग्स वो होता है दोस्तों जब आप कोई भी इंसान आपका प्रोडक्ट गूगल पे सर्च करेगा तो दोस्तों जो आप यहाँ पे टैग्स देंगे उसी के मदद से जो गूगल का प्रोडक्ट होता है दोस्तों सर्च इंजन,
इसी प्रकार काम उसी प्रकार काम करके जो है आप टैक्स या आपके जो आपने दिया है उसी की मदद से जो है आपका प्रोडक्ट ढूंढ के निकालता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे तकरीबन 5 टैक्स जो है दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कलर के बारे में आपको बताया जा रहा है, जहाँ पे आपको तकरीबन 4 जो है कलर सेलेक्ट करना ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है URL का ऑप्शन यहाँ पे जो है बॉक्स है। दोस्तों यहाँ पे जो URL है दोस्तों, आप चाहें तो अपना नाम भी दे सकते हैं या फिर जो प्रोडक्ट का टाइटल है खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पे नाम या फिर कोई और चीज़ देते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे चेक मार्क होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे चेक मार्क नहीं, यहाँ पे क्रॉस होगा, तो इसका मतलब दोस्तों जो है लिंक है क्रिएट नहीं हुआ है, तो अब ये जो है ये वाला जो है आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखें, जब भी चेक मार्क हो इसका मतलब कि जो है आपका जो लिंक है सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। और दोस्तों ये जो प्राइस वगैरह है इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे एक टाइटल सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा है, और यहाँ पे मैं टैक्स दे रहा हूँ। मैं पूरा जो टैक्स देने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस जो है बताता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे दोस्तों जो यहाँ पे टैक्स था, मैंने यहाँ तकरीबन 5 टैक्स दे दिए हैं। और टैक्स देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो प्राइस के बारे में आपको बता दूँ। यहाँ पे दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ये जो हो रहा है तकरीबन मैं सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 4 कलर ही शो होंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर 4 अपना ही चुने दोस्तों, तो ये खुद बुक सिलेक्ट कर लेगा, या फिर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये वाला जो प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं, जो तकरीबन 395 है जो इसका बेस प्राइस है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि बेस प्राइस जो है जब ये प्रोडक्ट बनेगा जिस भी कंपनी का है, ठीक है दोस्तों, तो उस कंपनी का इस प्रोडक्ट को बनाने में तकरीबन 395 रुपये का खर्च आएगा। इसमें दोस्तों आपको अपना जो है जो मार्जिन है और जोड़ना है दोस्तों, और आपको दोस्तों ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे दोस्तों इतना प्राइस डालना है जितना दोस्तों आपको प्रॉफिट भी हो जाए और ये जो है 395 से अधिक हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 600 रुपये यहाँ पे डालने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों ये जो है 30 रुपये आपको दिख रहा है दोस्तों, 30 रुपये ये जो हम लोग जोड़े हैं। और हाँ ठीक है दोस्तों, ये जो है हाँ ठीक है, तो इसमें दोस्तों शिपिंग वगैरह भी जोड़ कर दोस्तों ये आपको बताता है। दोस्तों टोटल जो है ये तकरीबन 630 रुपया इस प्रोडक्ट का प्राइस है। इसमें दोस्तों आपको तकरीबन 100 रुपये का जो है यहाँ पे देख सकते हैं योर प्रॉफिट एस्टिमेट, तकरीबन 200 रुपये आपका जो है तकरीबन इसमें जो है प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये वाला जो प्रोडक्ट है दोस्तों हमारे सामने जो हम लोग अभी ने क्रिएट किया था, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया था, वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों अब आप इस प्रोडक्ट को आपका सोशल जो भी है अकाउंट या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कहीं भी भेजते हैं, ठीक है, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पे दोस्तों इस प्रोडक्ट को लीजिए। इसका देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को दोस्तों देख सकते हैं, इसका स्टेटस जान सकते हैं कि इस पर कितने क्लिक हुए हैं और कितने ऑर्डर हुए हैं, ये सब आप जान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों अगर आप कुछ इसमें एडिट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके तो डायरेक्ट दोस्तों की जो लिंक है आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों ये जो लिंक है कॉपी हो गया है। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों इसका फोटो चाहिए तो उसे आप कैसे ले सकते हैं, सिंपल दोस्तों अगर आपको कोई फोटो चाहिए दोस्तों सिंपल इस पे प्रोडक्ट पे जो है क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने कंप्यूटर से जो है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेता हूँ और आपको मैं अपने जो है फेसबुक पेज पे इसको पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे स्क्रीन शॉट लेता हूँ। ठीक है, एक और लेता हूँ मैं स्क्रीन शॉट इसके फ्रंट का। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसके फ्रंट का भी इमेज जो है ले लिया है और लिंक को भी मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है दोस्तों, दोनों को मैं अपने यहाँ पे नोट जो है मैं एक जो है यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे नोट और इस लिंक को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये लिंक है, एक तरह की दोस्तों ये लिंक ही है दोस्तों। यहाँ पे लिंक जो है शायद हम लोग सही से यहाँ पे नहीं मिला दोस्तों, तो ये वाला जो लिंक है हम यहाँ पे लेते हैं और इस लिंक को दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये लिंक सही से कॉपी नहीं हुआ, करते हैं रिमूव और करते हैं ठीक। और ये करने के बाद दोस्तों हम आप जाते हैं फेसबुक पेज में दोस्तों, और इसको करते हैं
पोस्ट, ठीक है। तो जैसे ही देख सकते दोस्तों कि मैं यहाँ अपने फेसबुक पेज में आ चुका हूँ और फेसबुक पेज में फेसबुक पे आ चुका हूँ दोस्तों। फेसबुक से दोस्तों आपको जाना है मुझे अपने फेसबुक पेज में दोस्तों, ठीक है। तो मैं अपने फेसबुक पेज में जाता हूँ दोस्तों, अब आ चुका हूँ मैं अपने फेसबुक पेज में। और दोस्तों फेसबुक पेज में आने दोस्तों मैंने यहाँ पे शॉप पे क्लिक किया और शॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं सिंपल इस प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे ऐड करूँगा। इसको दोस्तों मैं किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ दोस्तों। मैं देखता हूँ यहाँ जो टी शर्ट का जो कैटेगरी है कौन सा है दोस्तों, तो ये वाला जो है टी शर्ट का कैटेगरी है जहाँ पे दोस्तों मुझे इस प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे लिस्ट करना होगा। तो सिंपल दोस्तों मुझे यहाँ पे आना है और ठीक है दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ। मेरा जो कंप्यूटर और माउस है, चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया। और सिंपल दोस्तों उस प्रोडक्ट का जो नाम है उसे हम लोग यहाँ पे देना होगा, ठीक है दोस्तों। उस प्रोडक्ट का ये नाम है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के दोस्तों मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसका प्राइस जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसका प्राइस जो कि मैंने लिखना था, ठीक है, उसका उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कुछ हम लोगों ने लिखा था उसे भी हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल दोस्तों हम लोग उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिए और पेस्ट करने के बाद दोस्तों उसका जो लिंक था दोस्तों ये वाला था, ठीक है। जहाँ से दोस्तों कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो इस जो है प्रोडक्ट को बाय कर सकेगा। और इस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसे इनेबल कर देते हैं, जब जो हम लोग प्रोडक्ट पोस्ट करेंगे तो हमारा जो है हमारे पेज में ये पोस्ट जो है पोस्ट हो जाएगा दोस्तों, सिंपल दोस्तों ये लिस्ट हो गया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से फोटो ऐड करते हैं, तो जो हम लोगों ने स्क्रीन शॉट लिया था उसे हम लोग अपने कंप्यूटर में निकालते हैं। कहाँ पे जो स्क्रीन शॉट था, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो स्क्रीन शॉट था हमारे कंप्यूटर से, सिंपल दोस्तों इसे मुझे थोड़ा क्रॉप करना होगा क्योंकि दोस्तों मुझे सिर्फ फोटो ही चाहिए। दोस्तों मैंने क्रॉप कर लिया, क्रॉप करने के बाद दोस्तों मैंने इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर लिया और दोस्तों मुझे जो फ्रंट वाला इमेज है उसे भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से और फिर से दोस्तों मैं इस सॉरी बैक वाले इमेज को लेता हूँ और उसे यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ यूज फोटो और दोस्तों ये देख सकते हैं ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल जो है सब चीज़ यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट हो चुका है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ से आप क्लिक करके इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उसे चाहे तो आप बाय भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दोस्तों वीडियो हमारा दोस्तों टी शॉपर के बारे में, जहाँ पे दोस्तों जाकर आप कोई भी दोस्तों प्रोडक्ट जो कोई भी दोस्तों प्रोडक्ट अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं और उसे अपने तरीके से प्राइस रखकर सेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप हमने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।